so you all have requested to me that you want the character sketch of Adela Quested from the novel A Passage to India written by E.M. Forster. So here you have the character sketch of Adela Quested. So character sketch में सबसे पहला हमारे पास जो point है that is introduction. Introduction मैंने एक बहुत ही simple language में लिखा है. आप इसको देखिए किस तरीके से ये लिखा है. Adela Quested एक English lady है. She is sensible but not sensitive. Adela के character के बारे में एक बहुत important line है. आप इसको जब भी लिखेंगे अपने character sketch में इस line को आप highlight जरूर करिएगा. हर अप्रोच टू लाइफ, उसका जो लाइफ को लेकर के अप्रोच है दैट इज इंटेलेक्चुअल. वो इंडिया आती है रोनी हिसलॉप से मिलने के लिए और इंडिया के बारे में वो स्टडी करना चाहती है, इंडिया को वो देखना चाहती है. रोनी हिसलॉप से वो मैरिज भी सिर्फ इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया में रहने की और इंडियन लोगों को सर्व करने की. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अडेलास कैरेक्टर. जो मैंने सेकंड पॉइंट अडेला के कैरेक्टर के बारे में लिखा है दैट इज हर फिजिकल अपीयरेंस. अगर आप किसी भी लेडी का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पॉइंट हमेशा फिजिकल अपीयरेंस का डालिए. फिजिकल अपीयरेंस के मामले में अडेला इज अ लिटिल बिट अनअट्रैक्टिव. शी वॉज यंग, वो यंग है, एमिएबल है. एमिएबल एक वो पर्सन जो किसी के भी साथ जल्दी से फ्रेंडली बातचीत करना शुरू कर देता है. बट शी हैज लैक्ड दैट चार्म ऑफ यूथ विच कुड ड्रॉ यंग मैन टू हर. उसके पास एक चार्म की कमी है. रोनी भी उसके साथ शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है बिकॉज His mother had brought her from England for the purpose of marriage with him. Otherwise, जो रोनी है वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा engrossed रहता है, बिजी रहता है, उसके पास इन सब चीज़ों को लेकर के टाइम की कमी है. So third point which I wrote about Adela's character that is not a traditional heroine. ये जो A Passage of India novel है ये एक conventional type of novel नहीं है और इसकी जो हीरोइन है वो भी ट्रेडिशनल नहीं है. जब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं वी सीम्स कि अडेला क्या करेगी इस स्टोरी में, एक हीरोइन का कैरेक्टर प्ले करेगी, एक मेजर फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी. जैसे जैसे हम स्टोरी को आगे पढ़ना शुरू करते हैं स्टोरी के डेवलपमेंट के साथ हम क्या देखते हैं कि स्टोरी के एंड से पहले ही अडेला का कैरेक्टर इसमें से डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट विच आई रूट अबाउट हर कैरेक्टर दैट इज सफर्ड फ्रॉम इल्यूजन. ठीक है, मालाबार केव में जो इंसिडेंट हुआ था अडेला के साथ वही इस नोवेल का सबसे मेन सीन है. जो पूरी स्टोरी है वो उसी सीन के ऊपर है. सो अभी देखते हैं इसमें क्या बताया गया है. इसमें अडेला एंटर द केव्स, जैसी वो मालाबार केव्स में एंटर होती है उसके अंदर उसके माइंड में थॉट्स आते हैं मैरिज को लेकर के रोनी के साथ. और इस तरीके की सिचुएशन में वो डॉक्टर अजीज से कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछ लेती है. राइट, आई मीन उस मालाबार केव में डॉक्टर अजीज और अडेला होते हैं उस सिचुएशन में, उस एनवायरमेंट में वो कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चन डॉक्टर अजीज के साथ पूछ लेती है. Her confession before the magistrate that Aziz did not follow her in the cave proved in a way that Aziz was innocent and that Adela might have undergone an illusion. Illusion yani ki bhram. So next point which I wrote about her character that is her sympathetic heart. Adela ka ek sympathetic heart hai. She knows about love, life and death. Her heart is full of sympathy for Indians. Indians के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा sympathy है. वो Indians के बारे में और जितना हो सके उतना ज़्यादा जानना चाहती है. Mr. Turton seeing her agreeableness to meet Indian ladies and gentlemen give a party which is not successful because the Englishmen do not behave properly towards the Indians at the party. Her desire to know about India and the Indians remains at best an unfulfilled desire and a matter of idle curiosity and a novelist derives pleasure in making a gentle fun of it. So I hope इतना आपको clear है. जो next point मैंने उसके character के बारे में लिखा है that is courageous and truthful. Adela Quested एक courageous और truthful lady है. She may be accused of confusion. भले ही उसको थोड़ा सा confusion रहा था उस मालाबार caves के incident में, but उसके courage की, उसकी truth की यहाँ पर appreciation किया गया है. To the fore at the right moment,
सेव्ड एंड इनोसेंट सोल, यहाँ पे इनोसेंट सोल बोला गया डॉक्टर अजीज को, जिसको वो बचा लेती है, उसका करेज और उसका ट्रुथ ही उनको बचा लेता है. सो नेक्स्ट पॉइंट विच आई रूट अबाउट हर कैरेक्टर, दैट इज कॉन्क्लूजन. सो कॉन्क्लूजन में आपको क्या करना होता है, कैरेक्टर के बारे में लिखना होता है. मुझे अडेला के कैरेक्टर के बारे में जो जो चीजें लगी थी मैंने उन चीजों को यहाँ पे मैंशन किया है. कॉन्क्लूजन और इंट्रोडक्शन, इन दोनों के पॉइंट्स काफी हद तक सेम हो सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों में ही कैरेक्टर के बारे में बताते हैं. आई होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड यू लाइक माई वर्क, एंड यू कैन डाउनलोड दिस कैरेक्टर स्केच पीडीएफ फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल. लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो डाउनलोड द पीडीएफ एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Like this video and share it with your friends.